जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों शहर की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार को मुख्याधिकारी माधुरी मडावी ने नालियों के ब्लॉकेज और साफ सफाई के साथ ही नालियों पर स्थित अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों और अतिक्रमण धारकों का पसीना छूट गया। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। इन दिनों दिग्रस शहर नगर पालिका के विभिन्न विभागों के कामचोर अधिकारियों और कर्मचारियों का हाल देखने लायक है। कुछ दिनों पहले तक जनता की हर शिकायत और समस्या को नजरअंदाज करने का चलन आम था। नगर पालिका के कुछ अधिकारी और कई कर्मचारी हर काम में कोताही बरतने को ही अपना अधिकार मान बैठे थे, लेकिन हाल ही में बतौर मुख्याधिकारी माधुरी मडावी के आते ही कामचोर और निठल्लों की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। माधुरी मडावी ने पहले ही दिन से नगर पालिका की बिगड़ी हुई कार्य प्रणाली को दुरुस्त करते हुए कर्तव्य पालन और अनुशासन की नई तरतीब शुरू कर दी है, जिसके बाद कल तक लापरवाही और कोताही में लिप्त नगर पालिका के कई अधिकारी और कर्मचारी एक्टिव मोड पर आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। बहरहाल सोमवार को मुख्याधिकारी माधुरी मडावी ने शहर भर की नालियों की सफाई, नालियों के ब्लॉकेज की समस्या और नालियों पर स्थित अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद छुट्टी होने के बावजूद भी पालिका प्रशासन कार्य क्षेत्र पर उतर आया। इसी कड़ी में सबसे पहले दीवान नगर खाटिकपुरा से अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई का काम शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्याधिकारी माधुरी मडावी ने एनबीसी न्यूज चैनल से बात करते हुए नालियों पर कब्जा जमाने वालों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का आह्वान किया है। काल जो रात्री पाऊस आला आज सकाळपर्यंत त्या पावसामुळे सगळ्या लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरले आणि सगळं पाणी नाल्यांचं पाणी घरामध्ये शिरलं। आम्ही आता काल सकाळी जो सर्वे केला त्याच्यावर आम्हाला हे आढळून आलं की नाल्यांवर लोकांनी अतिक्रमण केलं, नाल्यांवर अतिक्रमण असल्यामुळे नगरपालिकेकडनं त्या नाल्या स्वच्छ झालेल्या आहेत। म्हणून लोकांना आज माझं आवाहन आहे, नम्र आवाहन आहे की ज्यांनी ज्यांनी नाल्यांवर अतिक्रमण केलं असेल त्यांनी स्वतः काढून घ्यावं, नाहीतर आता आम्ही कुठल्याही प्रकारची सूचना न देता ते अतिक्रमण काढून घेऊन आणि अस्वच्छता करणार। खटिकपुरा में नालियों में ब्लॉकेज का जाल इस कदर फैला हुआ है कि रविवार रात को हुई बारिश से नालियां ओवरफ्लो होकर गंदा पानी लोगों के घरों में फैल गया, जिस वजह से एक कारोबारी के घर में रखा हुआ सामान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहरहाल यह नालियों की गंदगी का मंजर सिर्फ इसी एक मोहल्ले का नहीं बल्कि लगभग शहर में हर जगह यही नजारा बना हुआ है, लेकिन अब लगता है कि शहर की हर नागरी समस्या का हल माधुरी मडावी के रूप में मिल चुका है। यही वजह है कि जनता के कामों को लेकर उनकी गंभीरता और कर्तव्य दक्षता की सराहना की जा रही है। उनकी सक्रियता की बदौलत ही नागरी कामों के निपटारों का दौर चल पड़ा है। यह बदलाव अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि किसने सोचा था कि आम दिनों में काम के नाम से कन्नी काटने वाले सरकारी कर्मचारी छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि आज छुट्टी के दिन काम करते हुए, पसीना बहाते हुए और भागते दौड़ते हुए पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को देखा जा सकता है, और यकीन मानिए कि ये देखना भी अपने आप में एक बेहद सुखद अनुभव है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।